हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम, हिंदी साहित्य में प्रथम यानी हिंदी साहित्य में पहली बार किसने क्या किया, क्या हुआ, उसे हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, आप पेन और कॉपी लिख ले लें और इसे नोट डाउन कर लें और नोट्स बना लें, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, तो उसमें इससे दो या चार प्रश्न जरूरी पूछे जाएंगे। आप जब इससे पूरी वीडियो को देख लेंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप पेन और कॉपी ले लें और मैं बोलता जाऊँगा, आप इसको नोट डाउन करें, नोट्स बना लें और आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे दो या चार प्रश्न जरूरी पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमने एक नेट के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य के लिए एक सीरीज़ पूरी शुरू की है। इसके पहले मैंने 3 से 4 वीडियो और डाले हुए हैं, वो डेमो वीडियोज़ थे, और हम आपको अब पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे जिस पर अब हम काम कर रहे हैं, काम शुरू हो गया है। तो पर डे आपको 1 या 2 वीडियोज़ मिलेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड। तो आप हमारे साथ बने रहें, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप जितना हमारा उत्साह बढ़ाएंगे हम आपके लिए उतना ही काम अच्छे से और कर सकते हैं। तो अगर प्लीज़ उत्साह बढ़ाएं, कुछ सलाह है तो आप सलाह भी अवश्य दें। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट या एनटीए नेट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जाएँ टोटल नॉलेज पे। वहाँ पर आपको और भी ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे, एनसीईआरटी के मिलेंगे, पर्यावरण के मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी के मिलें ये आपको, और आप डे बाई डे हम काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे रोज़ देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक भी अवश्य करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं इसे और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रथम बार पहली बार क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू हैं। ठीक है, ये माना है, जो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना है, ये माना है, आपको याद रखना है, रामकुमार वर्मा ने। नोट भी कर लीजिए कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना है स्वयंभू को, रामकुमार वर्मा ने। शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना था, आपको मैं कोई चीज़ और नोट करवा देता हूँ। जो शिवसिंह सेंगर थे, उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रथम कवि हैं पुष्प या पुणे, और स्वयंभू ने अपभ्रंश को, सॉरी, स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना, वो माना था रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, आपको याद रखना है। और रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का भी पहला कवि माना है। दो चीज़ पूछा जाता है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, तो आपको याद रखना है स्वयंभू को, और हिंदी और अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है, तो वो भी माना है स्वयंभू को, रामकुमार वर्मा के अनुसार बता रहे हैं। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो आपको याद रखना है सराप्पा को माना है। ठीक है, और सहमति यही है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको याद रखना है सराप्पा है। तीन प्रश्न बनते हैं कि शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, तो आपको याद रखना है पुष्य या पुणे को। राहुल संकृत्यायन ने किसे माना है, तो आपका याद रखना है सरापाद को। ठीक है, एक और बनता है गणपति चंद्रगुप्त का, जिन्होंने वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने माना है शालिभद्र सूरी को। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को। आप सारे नोट डाउन कर लें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है पुष्प या पुणे को। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने माना हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को, साथ ही साथ इन्होंने अपभ्रंश का पहला कवि माना है स्वयंभू को। ठीक है, और सरापा को पहला कवि माना है राहुल संकृत्यायन ने, और सारे विद्वानों का एकमत है कि जो सरापा हैं, जो सिद्ध कवि हैं, वही हिंदी के पहले कवि हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी तरफ की ओर। अपभ्रंश का प्रथम कड़वक वध कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना है पौमचर्यु। पौमचर्यु रचना का नाम है जिसे लिखा है स्वयंभू ने। कड़वक वो होता है जिसमें 7 चौपाई के बाद हम एक दोहा का प्रयोग करते हैं, यानी आपने 7 चौपाई लिख दी, उसके बाद 8वें क्रम में क्या लिखते हैं आप, एक दोहा का यूज करते हैं। तो अपभ्रंश का प्रथम कड़वक वध कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना है पौमचर्यु। किसने लिखा है, तो स्वयंभू ने लिखा है। कड़वक क्या होता है, तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा लिखने का क्रम होता है। ठीक है, अगला है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसने लिखा, तो आपको याद रखना है हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा। भैया, तो अपभ्रंश के व्याकरण की रचना किसने की या किसने लिखा, तो आपको याद रखना है हेमचंद्र ने।
ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि हमने चर्चा कर ली, इनका टाइम क्या है तो आपको याद रखना है नौवीं सदी। कहीं इनका सरापा भी नाम मिलता है, कहीं इनका सरापाद भी नाम मिलता है, बहुत याद रखना है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरापा ने किया, ठीक है। इनकी दोहा चौपाई का प्रयोग किया और इनकी रचना का भी नाम है दोहा कोश, ठीक है। आपको याद रखना है सरापा की रचना क्या नाम है? दोहा कोश। और दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है सरापा ने या सरापाद ने किया। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो याद रखना श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य को किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है देवसेन ने लिखा है, ठीक है। यानी हिंदी की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार। लिखक लिखने वाला कौन है? तो देवसेन ने से लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिसे लिखा है चंद्र वरदाई ने। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए, आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो है। किसने लिखा है? तो चंद्र वरदाई ने लिखा है। हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा वर्णन किस रचना मिलता है? तो है विसलदेव रासो, ठीक है, जिसमें बारह पूछा जाता है कि हिंदी में पहली बार वासव वर्ण सॉरी बारहमासा वर्णन किसमें किया गया है? तो आपको याद रखना है विसलदेव रासो में किया गया है। किस भारतीय भाषा में रचित इस्लाम किसी भारतीय भाषा भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना है वो रचना है संदेश राशक, इसे लिखा है अब्दुल रहमान ने, ठीक है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्म मतलब इस्लाम को मानने वाला वो पहला कवि जिसने भारतीय भाषा में कोई रचना रची, उस रचना का नाम बताना है। तो आपको याद रखना रचना है वो संदेश राशक और लिखने वाले कौन है उसे? तो अब्दुल रहमान, ठीक है। अगला है ओवट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ओवट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति ने किया। किस रचना में किया? तो कृति लता में किया, ठीक है। इनकी प्रमुख तीन रचनाएं हैं कृति लता, कृति पदाका और पदावली। तो ओवट का प्रयोग इन्होंने किसमें किया है? तो कृति लता में किया है, ठीक है। मुख्यतः ये मैथिली कवि हैं लेकिन इन्होंने ओवट का भी प्रयोग किया है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो भी विद्यापति हैं, ठीक है, पदावली में है जो उन्होंने गीतों का इस्तेमाल किया है, गीतकार कवि हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो अमीर खुसरो ने की। मुकरी हो गई, पहेली हो गई, सारी कुछ लिखे हैं अमीर खुसरो ने। तो हिंदी में सबसे पहले मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो ने, जो कि एक आदिकालीन कवि हैं, ठीक है। भक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना है भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं रामानुजाचार्य, ठीक। पूछा जाता है भक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना है रामानुजाचार्य। अगला है हिंदी के प्रथम सूफी कवि, वो हमने देखा था हिंदी के पहले कवि कौन है? तो सरापा। अब हिंदी के पहले सूफी कवि कौन है? तो आपको याद रखना है असायत। सूफी प्रेमा खान का प्रथम महाकाव्य, आपने देखा पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। लेकिन ये कह रहा है कि सूफी प्रेमा खान का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह हंसावली जो लिखी थी असायत ने, और असायत के हैं पहले सूफी कवि हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पहला बड़ा महाकाव्य जो बड़े उसमें लिखा गया बड़ा कलेवर था, वो था हंसावली जो कि लिखी असायत ने, इसकी चर्चा हमने ऊपर कर दी है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य जिसमें वक्रोक्ति का यूज किया गया हो वो कौन सा महाकाव्य है? तो वो है पद्मावत जो कि लिखी जयसी ने, ठीक है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो है पद्मावत। हिंदी की आदि कवित्री कौन सी हैं? तो वह है मीराबाई। पूछा जाता है हिंदी की आदि कवित्री कौन है? आपको याद रखना है मीराबाई। और ये क्या है? तो ये पूछा जाता है आपको याद रखना है ये कृष्ण भक्त थी। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर, जिसके रचयिता है सूरदास, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य के सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर, जिसके रचयिता है सूरदास। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस, जिसे लिखा तुलसीदास ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। आपको पता होगा इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई। तुलसी सतसई क्या है कि इसमें तुलसी की रचनाएं जो हो गई उनके उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तुलसी की रचनाओं को तुलसीदास ने नहीं लिखी है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि तुलसी सतसई लिखी है तुलसीदास ने, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास की रचनाओं से लेकर कुछ ना कुछ इसमें समाहित करके तुलसी सतसई लिख दिया गया है। लेकिन जो वास्तव में सतसई परंपरा की शुरुआत मिलती है वो गाथा सप्तसती हाल
से मिलती है। गाथा सप्तशती की रचयिता कौन है? हाल है। और एक ये प्राकृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, तो इसी के आधार पे हिंदी साहित्य में भी सप्तशती लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण सप्तशती है, आपको याद होगा, बिहारी सप्तशती है। ठीक है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगणी, जिसे लिखा था कृपा राम ने। पूछा जाए कृति काव्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना ग्रंथ का नाम है हित तरंगणी, और लिखा किसने है? तो कृपा राम ने। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखा गया काव्य ग्रंथ है वो श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया। उन्होंने अनुवाद किया हर्मिट का। ठीक है, हर्मिट जो है वो इंग्लिश में था, उसे इन्होंने अनुवाद किया। और किस नाम से किया? तो एकांतवास योगी के नाम से। तो खड़ी बोली में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना है एकांतवासी योगी। किसने लिखा? तो श्रीधर पाठक ने। और किस ग्रंथ का रचना किया था? तो इन्होंने हर्मिट का किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। इनके आपको किसी एक रचना का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं अवश्य बताएं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हम बात कर रहे हैं खड़ी बोली की बात कर रहे हैं। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रभा जो कि यो हरिवत किया। ठीक है, प्रिय प्रभास ने लिखा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इनका नाम पूरा है। क्या नाम है इनका पूरा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास। गीति काव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपको याद रखना लोचन प्रसाद पांडे ने। पूछा जाता है गीति काव्य शब्द का पहले किसने प्रयोग किया? तो आपको याद रखना लोचन पांडे ने किया, लोचन प्रसाद पांडे ने। और कहाँ पे किया? तो इन्होंने लिखी कुसुम 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 माला, कुसुम माला की भूमिका में इन्होंने गीति काव्य का शब्द का प्रयोग किया। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी। और कब लिखी? तो 1918 में। छायावाद की यानी पहली कृति कौन सी है? तो झरना। कब आई? 1918 में। झरना का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि, शुक्ल के जो आचार्य शुक्ल हैं वो छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं? तो मानते हैं सुधानंदन पंत को। पूछा जाता है शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पंत को। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना निराला। ठीक है, और एक किसमें किया? तो उन्होंने जूही की कली में। ठीक है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने मुक्त छंद का पहली बार प्रयोग किया। और किस रचना में किया? तो जूही की कली में। और जूही की कली निराला की पहली रचना है। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो आपको याद रखना है जूही की कली। और कब आई है? तो 1916 में। ठीक है, तो मुक्त छंद का प्रयोग किसमें किया गया? जूही कली कविता में किया गया। किसने किया? तो आपको याद रखना है निराला जी ने किया। और ये कविता कब आई? तो 1916 में आई। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, मतलब पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है नंदुलारे वाजपेयी में किया। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना नंदुलारे वाजपेयी। नई कविता को नई कविता नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है अगे ने। नई कविता को नई कविता नाम किसने दिया? अगे ने दिया। ठीक है, अगले अगे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो भग्न दूत, जो कि आती है 1933 में। पूछा जाता है कि अगे की पहली काव्य कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना भग्न दूत। कब आई? तो 1933 में, 1933 में आई। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, जो आया 1907 में, जो कि हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण था। मतलब पहले इन्होंने उर्दू में लिखा था, बाद में इसको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया। और किस नाम से किया? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है परीक्षा गुरु, जो कि लिखा लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा? तो लाला श्रीनिवास दास ने। उस उपन्यास का नाम क्या है? तो परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास, प्रेमचंद पहले आपको पता है उर्दू में लिखा करते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया गया। तो हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है पहला लिखा गया उपन्यास उनका कायाकल्प, जो कि 1926 में आया। कब आया? 1926 में। इसके पहले वो किसमें लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है परख, जो कि आया 1929 में। पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कैसे उपन्यासकार हैं? तो आपको याद रखना है मनोविशेषणवादी उपन्यासकार हैं। लेचन जोशी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जैनेन्द्र कैटेगरी में, ये भी मनोविशेषणवादी हैं।
इनका पहला उपन्यास कौन सा है? तो घृणामयी है, जो कि आया 1929 में। ठीक है, जयंत का पहला उपन्यास कौन सा है? परख। इलाचंद जोशी कौन सा है? घृणामयी। भगवती चरण वर्मा, एक ऐतिहासिक उपन्यास है ये, आपको याद रखना। पूछा जाता है चित्रलेखा कैसा उपन्यास है, तो आपको याद रखना ऐतिहासिक। और ये उपन्यास कब आया? तो 1936 34 में आया, 34 में आया। तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा आया। ठीक है, अग्नि का पहला उपन्यास कौन सा है? आपने देख लिया काव्य कृति कौन से, भग्नदूत है, 1933 में आई। अब बताना पहला उपन्यास कौन सा, तो वह है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी दो भागों में प्रकाशित है, तो पहला कौन सा? शेखर एक जीवनी, जो कि आया 1941 में। कितने भागों में है, तो आपको याद रखना है दो भागों में। रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल, जो कि आया 1954 में। ठीक है, फणीश्वर रात रेणु की बात कर रहे हैं, उनका पूरा नाम है फणीश्वर रात रेणु। पहला उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, जो कि आया 1954 में। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो वे दिन, जो कि आया 1964 में। ठीक है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। ठीक है, मौलिक कहानी वो होती है जो कहीं से कॉपी पेस्ट न मारी गई हो, उसका आधार कहीं से न लिया गया हो, तो वो कौन सी थी? इंदुमती, जिसको लिखा किशोरीलाल गोस्वामी ने। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो वह है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, यानी कौन सी लेडीज थी से पहली बार हिंदी में कहानी लिखी, तो थी बंग महिला। बंग महिला का नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, वो बंग महिला के नाम से लिखती थी, और लेकिन नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष था, वो बंगाल से थी। और कहानी का नाम क्या है? दुलाई 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 वाली। ठीक है, तो आपका याद रखना हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो है दुलाई वाली। और किसने लिखा? तो बंग महिला ने या राजेंद्र बाला घोष ने। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो थी ग्राम, जो कि आई थी 1911 में। और प्रसाद ही निकालते थे इंदु पत्रिका, इंदु पत्रिका के संपादन भी किया प्रसाद जी ने, उसी पत्रिका में ये प्रकाशित भी हुई। ठीक है, तो पूछा जाता है जो कहानी है वो किस पत्रिका में आई, तो आपको याद रखना है इंदु में, इंदु का संपादन प्रसाद जी ने किया था, आपको याद रखना है प्रसाद जी ने किया था। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में आई। ठीक है, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो परिंदे, वो जो आई 1960 में। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो वह है राजा निर्बंसिया, जो कि आया 1957 में। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु ने माना है नहुस को, जो गोपाल चंद्र, जो कि इनके पिता थे, उनका लिखा हुआ माना है कि नहुस को मानते हैं कि ये पहला मौलिक नाटक है। लेकिन जो आज के विद्वान वो मानते हैं आनंद रघुनंदन को, जो कि लिखा है प्राणचंद चौहान ने। तो अगर भारतेंदु के अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो आपको आंसर देना है नहुस, जो कि लिखा है गोपाल चंद्र ने। और बाकी ऐसा पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो आपको याद रखना आनंद रघुनंदन, जो कि वो प्राणचंद चौहान ने लिखा। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल। अब इससे प्रश्न आता है कि जानकी मंडल में किसने अभिनय किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था, तो आप इसको जरूर लगाएं। ऑप्शन अगर आए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र होना चाहिए। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना है जानकी मंगल। और जानकी मंगल किसने लिखा था? शीतला प्रसाद खत्री ने लिखा था। और मैंने बताया कि इसमें भारतेंदु ने रोल किया हुआ था, अभिनय किया हुआ था, और वो अभिनय जो हुआ था वो बलिया में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? वो है राजश्री। हम बात करें ऐतिहासिक नाटक की, तो पहला ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो राजश्री कब आया? 1915 में। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद ने। प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट किसने लिखा? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? तो है वो काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, पहली सैद्धांतिक कौन सी है आचार्य शुक्ल की? तो आपको याद रखना काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस विवेचना को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया? मनोवैज्ञानिक स्तर पर किसने तोला और समझा? तो वह थे आचार्य शुक्ल। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? तो भी किया रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, साधारणीकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता आपको याद है भट्टनायक भट्ट लोरंट को पता होगा, लेकिन सबसे पहले किसने साधारणीकरण पर किसने बात की? तो आपको याद रखना है भट्टनायक। जब ने आप रस पढ़ा होगा तो उसमें भट्टनायक को भी अवश्य पढ़ा होगा। हिंदी में प्रथम आत्मकथा किसने लिखी? तो लिखी बनारसीदास जैन ने। आत्मकथा का क्या नाम था? तो वो था अर्धकथानक। ठीक है, तो पहला पूछा जाए कि आत्मकथा कौन सी थी? तो आपको याद रखना अर्धकथानक। कब लिखा गया? सॉरी, कब लिखा गया? तो 1641 में। और किसने लिखा? तो आपको याद रखना बनारसीदास जैन ने। हिंदी में प्रथम जीवनी किसने लिखी? प्रथम जीवनी कौन सी है? वो भक्तमाल, जो कि आई 1585 में। किसने लिखी?
तो नाभा दास ने लिखी, ठीक है। और प्रथम मौलिक जीवन लेखक माना जाता है वो कार्तिक प्रसाद खत्री को। प्रथम मौलिक जो जीवन लिखा उन्होंने लिखा कार्तिक प्रसाद खत्री ने। हिंदी में प्रथम संस्मरण लिखने वाले कौन थे? तो अयोध्या हरिओत का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का संस्मरण लिखा बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है। किसने लिखा तो आपको याद रखना है, पहला संस्मरण किस पर लिखा गया? हरिओत पर लिखा गया। और किसने लिखा तो आपको याद रखना है, बाल मुकुंद गुप्त ने। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन सा है? तो पद्म पराग। और किसने लिखा? तो पद्म सिंह शर्मा ने 1929 में, ठीक है। पहला रेखाचित्र कौन सा है? पद्म पराग। किसने लिखा? तो पद्म सिंह शर्मा ने। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत, ठीक है, लंदन की यात्रा पर गई थी श्रीमती हरदेवी, उन्होंने 1883 में लिखा लंदन यात्रा के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत, जो कि प्रकाशित हुआ 1883 में। यानी सबसे पहले हिंदी में यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? श्रीमती हरदेवी ने। और उसका नाम क्या था? लंदन यात्रा। हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज किसने लिखा? तो लिखा शिवदान सिंह चौहान ने। उसका नाम क्या था? लक्ष्मीपुरा, जो कि प्रकाशित हुआ 1938 में। यानी हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। लिखा किसने? तो आपको याद रखना है, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी गद्य काव्य का प्रथम रचना, हम बात कर रहे हैं गद्य काव्य, गद्य हो भी हो और काव्य हो, रचना कौन सी है? साधना। लिखा किसने? तो राधाकृष्ण दास ने, ठीक है। तो हिंदी कई बार पूछा जा चुका है कन्फ्यूज करने के लिए कि हिंदी की प्रथम गद्य काव्य रचना कौन सी है, आपको याद रखना है साधना। लिखा किसने? तो राधाकृष्ण दास ने। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ तो है वो इस्तद्वार दलाल लिखते हुए हिंदुस्तानी, जो लिखा गार्सा तासी ने, और लिखा गया था ये फ्रेंच फ्रेंच में, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिखा गया था। आपको पूछा जाता है कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो आपको याद रखना है फ्रेंच में। और लिखा किसने था? तो गार्सा तासी ने। उसका नाम क्या था उस पुस्तक का? तो इस्तवार द ला लिटरेचर अ हिंदुस्तानी, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ कौन सा है? तो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है वास्तविक रूप से, तो आपको याद रखना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? तो थे जॉर्ज गिरसनी थे, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास से पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, ठीक है, जिसमें परंपरा का पालन करते हुए लिखा गया हो, वो ग्रंथ कौन सा था? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि लिखा जा रही प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार वो थे रामविलास शर्मा, मतलब जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को रखते हुए इतिहास ग्रंथ लेखन किया, तो कौन थे? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा थे। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता, खड़ी बोली जो पद है उसका प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। आदिकालीन कवि हैं, उन्होंने पहेली और मुखरियों के लिए भी ज़्यादा चर्चित रहे हैं। खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना, खड़ी बोली में लिखी गई पहली गद्य रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो लिखी है गंग कवि ने। रचना का नाम है चंद चंद छंद वर्णन की महिमा, और लिखी किसने है? तो लिखी है गंग कवि ने, ठीक है। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया, खड़ी बोली में साहित्य के स्वरूप का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो किया राम प्रसाद धीरंजनी ने। और किसमें किया? तो योग भाषा वशिष्ठ, पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है योग भाषा वशिष्ठ। और योग भाषा वशिष्ठ किसने लिखा? तो राम प्रसाद निरंजनी ने। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा? तो वो था संवाद कौमुदी, जो कि लिखला 1821 में, और उसके संपादक थे राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आपको याद रखना है कि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र कौन सा था? वो था संवाद कौमुदी। और किसने संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? उदंत मार्दंड था, जो कि आया 30 मई 1826 को। पूछा जाएगा हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? तो आपको याद रखना है उदंत मार्दंड, जो कि आया 30 मई 1826 को। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र, ठीक है, ये था दैनिक, दैनिक मतलब जो रोज आता है। और जो हमने देखा उदंत मार्दंड, ये किया था साप्ताहिक था, ठीक है। तो पूछा जाएगा जब दैनिक पत्र कौन सा था? तो आपको याद रखना है समाचार सुधा वर्षण। और पूछा जाएगा हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? तो उदन मार्तंड, ठीक है, याद रखना है ये दैनिक था, समाचार सुधा वर्षण, जो कि आया 1954 में। और ये
पहला था उदंड मार्दन, दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा चुका है, बहुत से लोग गलत कर जाते हैं। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, हिंदी की पहली लघु पत्रिका का नाम क्या है? तो नए पत्ते, और नए पत्ते कौन निकालते थे? तो निकालते थे लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, ठीक है, पहली ग्रंथावली कौन सी थी? तो थी भारतेंदु ग्रंथावली, जिसे हिंदी में पहली बार प्रकाशित किया गया। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो मिला हिम तरंगनी, और हिम तरंगनी किसने लिखी थी? वो लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, कि हिंदी का पहला साहित्य अकादमी किसे मिला? तो मिला माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला? तो हिम तरंगनी के लिए मिला। कब मिला? तो आप याद रखना, 1955 में मिला। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो आपको याद रखना है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंद पंत को। किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला। कब मिला? तो 1968 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसे मिला? तो पंत जी को मिला। कब मिला? 1968 में मिला। किस रचना के लिए मिला? तो चिदम्बरा के लिए मिला। आपको इतना याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी की महिला कौन सी थी साहित्यकार? वो याद रखना आपको, महादेवी वर्मा। ठीक है, पहला मिला था वैसे मलयालम में, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी में, तो मिला था महादेव वर्मा को यामा के लिए 1982 में। प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? तो मिला रामविलास शर्मा को 1991 में। किस ग्रंथ के लिए मिला? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, पहला व्यास सम्मान किसे मिला? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा को। किस चीज़ के लिए मिला? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? आपको बताना कि जो अभी अभी हिंदी सम्मेलन हुआ था, लास्ट हिंदी सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ? पहला विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है, नागपुर में। ठीक है, 1975 में। एमए जो करते हैं हम, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में। यानी एमए हिंदी सबसे पहले कहाँ कराया गया? तो कराया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU भी कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कराया गया 1921 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, श्याम सुंदर दास थे। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, यही साहित्य अकादमी के भी पहले अध्यक्ष थे। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने भाषा पर बहुत अच्छा काम किया। तो हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में UNO में जाके हिंदी में भाषण दिया। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो लिखा, मैं पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हिंदी कौन सी है? तो उसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास, जो कि वैज्ञानिक मानदंडों पर खड़ी उतरती है, और वो लिखा किसने? तो धीरेन्द्र वर्मा ने। ये ठीक है, ये भाषा विज्ञान की पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध, हम बात करें मौलिक निबंध की, स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन था? तो राजा भोज का सपना, जिसे लिखा राजा शिवप्रसाद सिदारे हिंद ने। तो पूछा जाए हिंदी का पहला मौलिक निबंध कौन सा है? तो आपको याद रखना राजा भोज का सपना, जो कि लिखा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने। प्राचीन गद्य पद, गद्य पद जो मिश्रित रचना होती है उसे कहते हैं चंपू। ठीक है, तो गद्य पद मिश्रित जो काव्य हो किसने लिखा? तो आपको याद रखना राहुल बेल ने, और राहुल बेल, और उस नाम क्या था? तो रोड़ा था, रोड़ा ने क्या की? राहुल बेल की रचना की। फिर रचना का नाम क्या? तो आपको याद रखना है राहुल बेल, जो कि पहली चंपू यानी गद्य पद मिश्रित काव्य है। ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रृंगार रस मंडन, जो कि लिखा गोसाई विट्ठल नाथ ने। ठीक है, पूछा जाए कि ब्रज भाषा गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना है श्रृंगार रस मंडन, जो कि लिखा गोसाई विट्ठल नाथ ने। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक कौन है? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक है, आधुनिक खड़ी हिंदी बोली के जनक है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो यह है चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, जिसे आप बोलते हैं साइंस फिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, तो एक प्रकार का साइंस फिक्शन है ये। ठीक है, फ्लैशबैक को बोलते हैं हिंदी में पूर्व दीप्ति। ठीक है, मतलब कहानी पीछे से स्टार्ट होके फिर आगे की तरफ बढ़ती है। तो पहली कहानी कौन थी फ्लैशबैक पर यानी पूर्व दीप्ति पर आधारित? वो थी उसने कहा था, जो कि लिखा था चंद्र शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, नवगीत परंपरा के सुधार, एक क्वेश्चन आता है कि नवगीत परंपरा के सुधार कौन है और नवगीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो आपको पूछा जाए सुधार कौन थे? तो सूत्रधार थे इसके अगेन, और नवगीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है,
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सुधार के साथ जाना है आगे, और प्रवर्तक में आपको मारना है राजेंद्र प्रसाद सिंह। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद रखना है भारतेंदु। ठीक है, अगला है हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं, मतलब लक्षण ग्रंथ की रचना पहली बार किसने की हिंदी में, तो थे केशव दास। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है, तो है राम रक्षा स्रोत, और लिखा किसने, रामानंद ने। दोस्तों हमारा ये था वीडियो, अच्छा लगे तो जरूर लाइक से और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। दोस्तों अंत तक देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद।